और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें रूट बाउंडिंग की दिक्कत हो गई थी और मैंने इस तरीके से अपने पौधे को निकाल लिया है और अब इसकी जड़ों को मैं थोड़ा सा प्रून कर रही हूँ और इसके बाद हमारे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पौधे की नई ग्रोथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नित्या केसरवानी। आज मैं आप सभी के लिए गुड़हल के पौधे की अपडेट लेके आई हूँ। रूट बाउंडिंग और प्रूनिंग की प्रोसेस के बाद हमारा पौधा कुछ इस तरीके से हमारा ग्रो हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी तरीके से ग्रोथ आ रही है। गुड़हल का जो पौधा होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और हर कोई चाहता है कि उसके घर में ये पौधा ज़रूर हो। और अगर ये गार्डन में ये पौधा लगा होता है तो ये और भी अच्छा फलता फूलता है। तो हम लोग तो इसे पॉट में लगाते हैं, तो पॉट में इसकी ग्रोथ किस तरीके से अच्छी तरीके से कर सके, इसके लिए मैं आपको ये कुछ केयर और टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपने पौधे में जो है, जब मैंने रूट बाउंडिंग की और प्रूनिंग की प्रोसेस करी थी, तो मैंने इसमें बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र और सब कुछ मैंने दिया था। और यकीन मानिए, मैंने 2 मंथ वेट किया है, उसके बाद का ये रिज़ल्ट है इस पौधे का। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब इसमें नई नई शूट्स इसकी निकल रही थी और ये देखिए कुछ हद तक के बड़ी हो गई हैं कुछ इसकी लीव्स। और अभी मैं और इंतज़ार कर रही हूँ कि इसमें जो है कम से कम 2 से 3 इंच तक की इसकी हर एक स्टेम ग्रो कर जाए, उसके बाद ही हम इस पौधे में जो है अब कोई फर्टिलाइज़र देंगे। इसके पहले आपको इस पौधे में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि जब हमने इसकी मिट्टी फिर से तैयार की थी तब हमने इसमें बहुत ही अच्छे से वर्मी कंपोस्ट, बोन मील पाउडर मैंने सब कुछ इसमें दिया था। तो अब जो बोन मील पाउडर होता है वो एक स्लो रिलीजिंग कंपोस्ट होता है, जो कि हमारे पौधे को जो है धीरे धीरे जो है ग्रोथ देता रहता है, उसकी ताकत बनाए रखता है, जिससे हमारा जो पौधा है वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और अच्छे से उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। तो इसलिए अभी जब तक हमारे पौधे की जो शूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो जाती हैं, तब तक हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र शेयर नहीं करेंगे। अब आते हैं इसमें वाटरिंग की। मैंने इस पौधे में वाटरिंग जो है टाइम टू टाइम करती रही हूँ, जिससे कि हमारे पौधे में जो इसकी जड़ें हैं उसको मिट्टी को होल्ड करने के लिए उसको मॉइस्चर मिलता रहे और वो जल्दी से सॉइल को पकड़ सके। अब हम अपने पौधे को किस तरीके से घना बना सकते हैं, मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। अपने गुड़हल के पौधे में आप जैसे कि देख रहे हैं कि नई नई जो है ब्रांचेस इसमें आ रही हैं, तो आप इसमें थोड़े थोड़े टाइम पे देखिए कि छोटे छोटे लीव्स जहाँ से भी ग्रो हो रही हैं उनको आप हटाते रहिए, मतलब पिंचिंग करते रहिए, तो आपका पौधा जो है उस जगह से नई ब्रांचेस को डेवलप करेगा और आपका पौधा घना हो जाएगा। जितना ही ज़्यादा हमारी ब्रांचेस होंगी पौधे में, उतने ही ज़्यादा हमें फ्यूचर में फ्लावर्स भी मिलेंगे। और फ्लावर्स तो इस पौधे के बहुत ही खूबसूरत होते हैं, हर कलर में आते हैं, येलो, पिंक, रेड, वाइट। तो आप सब भी जो है इस गुड़हल के पौधे के फूलों का इंतज़ार करिए, जब हमारे इसके फ्लावर्स समर सीज़न में खिलेंगे। तो अब मैं आपके साथ एक दूसरी टिप शेयर कर रही हूँ। हमारा जो गुड़हल का पौधा होता है, जब वो नई ग्रोथ पे अपनी होता है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा कीड़ों का जो है अटैक हो जाता है। तो हमें अपने पौधे को उन चीज़ों से बहुत ही बचाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। आप अपने पौधे में टाइम टू टाइम इंसेक्टीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर आप केमिकल स्प्रे करना चाहते हैं तो NPK 19:19:19 का भी 1 लीटर पानी में आप उसको एक कैप डाल के और उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीम की पत्तियां ले सकते हैं। नीम की पत्तियों को आप उबाल करके और उसे ठंडा करके उस पानी को एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में डाल के और आप अपने सभी पौधों पर उसका छिड़काव करें, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है हमारा, जो हमारे पौधों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुँचाता है और सभी कीड़ों को हमारे पौधों से हटा देता है। और आप डेली इस पौधे को अच्छे से इसकी लीव्स वगैरह को शावर करते रहेंगे तो भी आपके पौधों में कोई भी कीड़ों को अटैक नहीं होगा।
नए नए कीड़ों के अटैक से जो है हमारा पौधे की जो ग्रोथ है वो ख़राब हो जाती है और हमारा पौधा भी जो है वो बढ़ नहीं पाता है, बिल्कुल मरने की हालत पे हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने पौधे की केयर करनी है जिससे कि हमें अच्छी जो है फ्लावरिंग मिल सके और अच्छे से हमारा पौधा ग्रो कर सके। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने आपके साथ ये टिप्स शेयर की हैं आप भी अपने गुड़हल के पौधे में यूज़ कर सकते हैं इन टिप्स को। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो।